तो गाइस जैसे कि ये सेकंड पार्ट है और आगे वीडियो में आपको बने रहना। फर्स्ट पार्ट आपने देख ही लिया होगा, तो हम सेकंड पार्ट पाए जो भैया स्वीट्स की बात कर रहे थे, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या स्वीट है यहाँ पे और कैसी स्वीट्स है। तो चलिए मैं आपको इनका जो दूसरा आउटलेट है ये चेकआउट कराता हूँ, तो चलिए फिर दिखाता हूँ। जैसे कि हम आ गए यहाँ पे बिल्लू चाप एक्सप्रेस पे, और जो स्वीट्स की बात यहाँ पे हो रही थी, ये यहाँ पे ये देसी घी की स्वीट्स जलेबी है यहाँ पे, और ये बिल्कुल जीरो शुगर के साथ बनाते हैं यहाँ पे भैया। गुड़ और शक्कर की बनती है, प्योर देसी घी और देसी खांड है। मैं आपको दिखाता हूँ ये यहाँ पे लगी हुई है देसी खांड की है पूरी, और ये देसी घी के अंदर बनाई जाती है, और ऊपर आप देख सकते हैं 100% शुगर फ्री है बिल्कुल। और यहाँ पे देख सकते हैं भैया पूरी तैयारी कर रहे हैं इसकी, और जलेबियाँ उतार रहे हैं गर्मा गर्म गर्मा गर्म एकदम जलेबियाँ जो है उतर रही है बिल्कुल, देख सकते हैं बढ़िया। ये हमारे भैया जी हैं जो उतार रहे हैं यहाँ पे जलेबी। ये दिखाता हूँ मैं आपको, जो ये आपको दिखेगा यहाँ पे जो ये है, ये पूरा गुड़ का है, ये इसमें गुड़ की बनेगी आपको, जो चाशनी है वो पूरी गुड़ की है, और ये हमारी खांड की है, देख सकते हैं केसर वगैरह सब कुछ डला हुआ है इसमें, ये देख सकते हैं केसर वगैरह सब कुछ डला हुआ है, और ये है यहाँ पे। और ऊपर आपको मैं जलेबी भी दिखाता हूँ, ये वाली गुड़ की है और ये वाली हमारी खांड की है, तो ये पूरी यहाँ पे बन गई है। और लेके चलता हूँ मैं आपको अंदर, चलिए अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये पूरा भैया का ये यहाँ पे प्रॉपर सेटिंग है, प्रॉपर अच्छी तरीके से सामने ये यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो आप यहाँ पे दोगे, तो ये प्रॉपर अच्छी खासी सेटिंग है, बढ़िया एम्बियंस है, सब पूरा म्यूजिक वगैरह लगा हुआ है अच्छी तरीके से। अंदर प्रॉपर किचन है, ट्रांसपेरेंट किचन है, आप यहाँ से देख भी सकते हैं कि वर्कर्स है जो अंदर काम कर रहे हैं अपना, और ये भैया यहाँ का मेन स्टाफ है, पूरा फ्रीजर वगैरह लगा हुआ है। तो ये प्रॉपर यहाँ का जो था अंदर का एम्बियंस था, मैंने आपको पूरा चेकआउट करा दिया। तो चलिए आगे वीडियो में, यहाँ के इस ऑनर तो आपको पता ही है, मेरे जो खास मित्र हैं वो आपको मैंने उनसे पहले मिला ही दिया फर्स्ट पार्ट में। तो चलिए आप यहाँ का जो टेस्ट है वो ट्राई करते हैं, जलेबियाँ ट्राई करते हैं और फिर वो बताते हैं आपको। तो जैसे ये हमारे यहाँ पे देखते पूरा लग गई है यहाँ पे हमारी, ये प्लेटर लगाया भी है छोले कुलचे का, पूरा प्लेटर है यहाँ पे, तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ अंदर पूरी फिलिंग है कुलचे के अंदर, आ देता है अच्छी तरह प्याज मिर्च वगैरह सब कुछ डाल रखी है भैया ने। और जो ये देख सकते हैं यहाँ पे छोले जो है हमारे, जैसे सकते कितने बढ़िया लग रहे हैं छोले एकदम बढ़िया, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा प्याज के साथ एकदम बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं एकदम लाजवाब। और ये हमारी चाप है, मलाई चाप है, और ये हमारा रोल है यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे लग चुकी है। चलिए इसे ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा पूरा टेस्ट है। तो पहले हम कुलचे से स्टार्ट करते हैं ना। हाँ बिल्कुल भाई, भाई ये कुलचे हैं भाई, स्पेशली भाई सूजी के कुलचे हैं हमारे, सूजी के। हाँ जी, और इसके अंदर छोले की अगर बात की है ना, तो एक तो इसके अंदर क्या है कि 70% इसमें मटर होते हैं। हाँ जी, और 30% होते हैं नॉर्मल जो छोले छोले होते हैं। हाँ, ये दिख रहे हैं कुछ बड़े हैं कुछ छोटे। हाँ बिल्कुल, इसलिए दिख रहे हैं। हाँ, और भाई इसके अंदर एक हमारा स्पेशल सीक्रेट मसाला भी डलता है, ये चीज ऐसे कोई बताता नहीं कि हमने छोले और कुल मिक्स करके डाले हैं, ये थोड़ा सा ऑकवर्ड समझते हैं लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज है इसके अंदर स्पेशल, हमारे जो सीक्रेट मसाला है दोनों के अंदर है, छोलों के अंदर में मिक्स है, और जो इसका जो ये मिजा रेडी हुआ ना, हाँ जी, इसके अंदर भी मिक्स है, तो वो स्पेशल आपको अल्टीमेट टेस्ट देने वाला वो मसाला, मतलब सिंगल मसाला है, उसके अंदर भी कई मसाले नहीं, मिक्स है। कई तरह के मसाले हैं इसके अंदर भी मिक्स। देखते कोशिश तो कर रहे थे, कुछ निकले पर निकला नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर कभी निकाल लेंगे। और साथ में ये हमारी मलाई चाप है, मलाई चाप तो भाई यहाँ पर हमारे पूरे बाथरूम में फेमस है हमारी चाप, मलाई चाप, ठीक है। बाकी तो अपने मुंह में मिठू करने वाली बात है, आप वो टेस्ट आप बताओ क्या। हाँ, बाकी हम बताएंगे, बाकी हमारी ऑडियंस बताएगी। हाँ बिल्कुल, कमेंट करके बताने वाली ऑडियंस। हाँ, और ये है बोरी टिक्का रोल, बोरी टिक्का नॉर्मल स्पाइसी होता है, ये भाई मेरा फेवरेट है, तो आप ट्राई करना, मैंने आपको इसलिए खिलाया है, टेस्ट करो, टेस्ट करते हैं। हाँ, तो पहले हम इसे स्टार्ट करते हैं ना, आप भी लो भैया इस बार। नहीं नहीं बिल्कुल लेंगे, जैसे कि थोड़ा सा हम इसे इसे बाइट को रेडी करते हैं अपनी, ये मसाला मस्त है ना, मस्ट ट्राई बनता है। हाँ स्पेशल भाई, कई सारी चीजों का मिलके बना, क्या पता टेस्ट करके थोड़ा हमें समझ में आए। चलिए ट्राई करते हैं अपनी बाइट को, अमेजिंग है। इसके ऊपर भैया ने यहाँ पे शायद नींबू वगैरह का यूज करा हुआ है, थोड़ा सा फ्लेवर दे रहा है वो नींबू का भाई, बढ़िया एकदम मस्त मजेदार है। जो भैया ने बोला मटर और छोले है, वो जब चू करते तो हमें पता लगता है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, भाई बहुत बढ़िया है, बढ़िया है एकदम, वैल्यू फॉर मनी चीजें हैं, यानी कि भाई
आपको सामान तो दे रहे हैं पर रेट ज्यादा है, आइटम कम है, क्वांटिटी और क्वांटिटी और पैसा सब कुछ बढ़िया तरीके से भैया ने मैनेज कर रखा है यहाँ पे अच्छे बिल्कुल तरीके से। बिल्कुल यार, सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारा ना पूरा बटर में टोस्ट है, अमूल बटर में टोस्ट है यार ये, हर चीज अमूल बटर में बनी है, कोई रिफाइंड मिक्स है नहीं है इसमें, कोई कुछ नहीं है, प्योर ये एकदम जेनुअन प्योर काम अमूल बटर है, से बना हुआ है। जेनुअन काम है, कोई ऐसा काम नहीं कि भैया वैसे अपना लोग आप इतनी करो और चलो जी चलते चलो, बिल्कुल जी बिल्कुल। वो वाला काम नहीं है। यहाँ प्लेट्स होगी ना भैया, एक प्लेट होगी, हम इसे ट्राई करते हैं ना, फिर प्लेट में लगाते हैं। लो तो ये हमारी प्लेट आ गई यहाँ पे, इसके ये है मलाई चाप, मलाई चाप के दो तीन बिल्कुल पीस रख लेते हैं। अमूल की क्रीम यूज करते हैं सिर्फ, उसके अलावा और तो ऐसे ये दे सकते हैं पूरा यहाँ पे जो चाप एकदम बढ़िया मलाई से एकदम लपा लप है, बढ़िया गर्मा गर्म है। चलिए ट्राई करते थे, चाप में एक अलग सा टेस्ट आ रहा है बढ़िया, मतलब जो चाप है ना च्यू कर रहे तो आपको ऐसा अलग सा फील दे रही है, जैसे प्योर सोया टाइप का होता है उस टाइप का आप च्यू कर रहे हैं, ये नहीं है कि मैदा कर दिया चलो जी। बिल्कुल। अमूल का भी टेस्ट है इसमें, जो बटर का टेस्ट आ रहा है वो भी आ रहा है, बिल्कुल तो अमूल बटर टेस्ट है यहाँ है, पर, बिल्कुल है। ये नहीं कि भाई, बढ़िया चीज है एकदम जैनवन। बोटी टिक्का रोल दिखाते हैं आपको, फीलिंग चेकआउट करो पहले आप, प्रॉपर फीलिंग एकदम बढ़िया। चलिए ट्राई करते हैं इसको, थोड़ा सा चटनी मीन को सॉस, लगाते हाँ हैं। बिल्कुल, सारा केली चटनी का भाई। भाई साहब भैया स्पाइसी बता रहे थे थोड़ा सा, पर ठीक है स्पाइसी ना तो ज्यादा है ना कम है, हाँ पर कोई इसलिए बिल्कुल चाहता है ना तेज स्पाइसी खाना चाहता है तो वो भी आपको मिल जाएगी, और इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है मजेदार। इनके बाद जो ये खाना था एक अलग ही फ्लेवर दे रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है बढ़िया है, प्याज आ रही है बढ़िया, टेस्ट आ रहा है बढ़िया, मजा आ गया एकदम। तो ये हमारा जो था ये मेन था, हमने ये पूरा आपको स्नैक्स है वो कवर कर दिया, आगे इसके अब बाद। भाई, इसके बाद एक चीज स्पेशल जो भाई मैं शुरू से आपको बताता जा रहा हूँ, हाँ तो वो ट्राई करानी मुझे भी है उसका इंतजार है कि वो स्पेशल ना। चीज ट्राई करें। भाई बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको यहाँ पे स्पेशल चीज है, वो है गुड़ की जलेबी, जलेबी वो ट्राई करते हैं और वहां पे अब अपनी वीडियो को उसके बाद एंड करते एंड हैं। करते हैं। बिल्कुल तो जैसे कि अभी हमने यहाँ पे आपने देखा होगा डिनर अभी हमने लिया है यहाँ पे, मतलब जो लंच है अपना ये शाम का टाइम हो रहा है, तो डिनर और लंच का ये दोनों का टाइम हो रहा बिल्कुल। है, तो इसलिए अब उसके बाद स्वीट्स आ गई हमारी, तो ये हमारी गुड़ वाली है और ये हमारी देसी देसी खांड की जलेबी भाई ये, खांड वाली है, और रबड़ी आप देख सकते हैं, ये रबड़ी मिलेगी, ये पूरी रबड़ी है, बढ़िया रबड़ी है एकदम। तो ये है, तो भाई ये आइडिया कहाँ से आया पहले आप मुझे ये बताइए कि भाई आज गुड़ की और खांड की बनाने का आइडिया कहाँ से आया। आइडिया की बात करूँ केशव भाई, क्या हाँ है जी भाई, माइंड में ना बहुत टाइम से चल रहा था कि भाई एक ना नई चीज लेके आए मार्केट में यार, जो शायद कहीं पर भी ना हो। कहीं पे भी ना हो, हाँ तो भाई जलेबी का मूड था, भी जलेबी बेचेंगे, मुझे मेरी खुद की फेवरेट है चीज जलेबी है, तो जलेबी भाई मुझे बहुत लाइक, मैं खुद खुद बहुत लाइक करता हूँ जलेबी को, तो भाई जलेबी लाने का प्रॉपर मन बना लिया। लेकिन भाई माइंड ये मेकअप थोड़ा सा ये चेंज करने में ये हो रहा कि भाई देसी घी करें या नॉर्मल घी की, हाँ पहले तो जी ये था ये, फिर मैंने माइंड सेट किया कि भाई देसी घी में करेंगे भाई स्टार्ट, देसी घी के चीज अंदर देंगे जेनवन और प्योर, जो भाई मजा भी आए और मुंह में जाए तो पता लगे वो चीज खाई भी है। सबसे बड़ी बात तो ये कि हेल्थ से रिलेटेड बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, गुड़ और खांड जो है आपके हेल्थ को बिल्कुल भी वो नहीं करेगी, शुगर जो है वो बहुत ज्यादा आपको हार्म करती है, आपने देखा भी होगा जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो शुगर फ्री खाना खाते ज्यादातर, शुगर बिल्कुल को बिल्कुल बिल्कुल लेते ही नहीं है, बिल्कुल बट लेकिन हमारे देश में तो जलेबी जो है हर बार हाँ नुक्कड़ में मिलती है और वो चीनी की मिलती है चीनी की पूरी। एक्चुअली में, चलिए इसको ट्राई करते हैं और फिर बताते हैं कैसा इसका टेस्ट है। बिल्कुल टेस्ट करो भाई केशव भाई, क्या टेस्ट है बिल्कुल। पहले हम गुड़ की देखते हैं रबड़ी के साथ, ठंडी रबड़ी है गर्मा गर्म जलेबी है, मजा आ जाएगा बिल्कुल। मैं वाकई में इतना बढ़िया गुड़ का फ्लेवर आया ना, मजेदार एकदम जलेबी जो खाते हैं ना गुड़ का फ्लेवर आएगा कि गुड़ की चाशनी है पूरी, खाते आपको ऐसा अपने आप पता लग जाएगा कि गुड़ की है, किसी को बताने की या देखने की जरूरत ही नहीं है, और ओवर कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर भाई, ओवर मिठास नहीं है, नहीं बिल्कुल ओवर नहीं है लिमिटेड। कि जैसे खा लिए तो भाई अब मीठा मीठा लग रहा नमकीन लाओ ऐसा आपको फील भी नहीं होगा। देसी उसकी ट्राई करते हैं अब, रबड़ी के साथ तो इतनी बढ़िया रबड़ी दे सकते हैं, कितनी थिक है एकदम, ये नहीं है कि पानी सा दे दिया आपको जी चलो जी चलने दो। ये प्रॉपर देसी घी और देसी खांड की जलेबी है,
भाई विदाउट शुगर 100% शुगर, 100% क्या 1000% शुगर फ्री लगा लो आप इसको। ये देखो ऊपर से केसर डाल रखा है प्रॉपर तरीके से, एकदम पिस्ता केसर, बढ़िया फ्लेवर है एकदम, अमेजिंग टेस्ट है। तो यही है कि चीज अभी भी किसी को खिलाओ तो प्योर खिलाओ, वरना बिल्कुल मत बिल्कुल खिलाओ। बिल्कुल मेरा बिल्कुल मानना तो फैक्ट, यही है फैक्ट किसी की हेल्थ से खिलवाड़ मत करो। तो ये अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन गुड बाय। है।